दगड़ियों गुड मॉर्निंग। पहला कैसा आप सभी लोग, उम्मीद है कि सभी अच्छे होंगे। तो दगड़ियों, मैं विशाल रावत उत्तराखंड अल्मोड़ा से स्वागत करता हूँ आपका एक और नए ब्लॉग में। तो यही बज रहे दोस्तों सुबह के 11 बजने वाले हैं दोस्तों। आज भी कुछ है, कुछ अच्छी चीज है। आज वो अच्छी चीज ये है कि बबली दी आ रही दोस्तों अपने ससुराल से अपने मायके द्रुगुण के लिए। ठीक है, अभी थोड़ी देर में पहुंचने वाली है, तो अभी मिलाते बबली दी से आपको और जिया जी से भी साथ में, है ना। बाकी कल तो आपने देख लिया होगा, लेकिन आज फिर से एक बार और मिलाएंगे। और बाकी आप पीछे मेरे देख रहे होंगे पूरी धुरमियों जैसी हो रखी ना दगड़ियों, ये पीछे का इलाका पूरा ब्लर ब्लर आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि जंगलों में आग लग रखी है और चारों ओर धुरमियों हो रखी है और आंखों में इतनी जलन मार रही है ना। ये देखो, ये पूरे जंगल कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, हल्का फुल्का यहाँ का इलाका दिखाई दे रहा। बाकी सक्का का डैम देख सकते हो, पूरा धुआं धुआं हो रखा है वहां पर। ये तो ऐसी कुछ कंडीशन हो रखी है हमारे आसपास के जंगलों की है। और बाकी दोस्तों मम्मी भी आ गई है खास काट कर। ये देखिए मम्मी यहाँ देख, अपने हाथ में आ गया बेजान को दुकान दिख नीचे को बेजान नाच दे छिया बंठन बेजान छिया अब अपने हाथ में आ गया वही और दिन जा काम को अब जरा दो चार दिन आराम मिल रहा चाहिए, मतलब फल जल आगना चाहिए। तू मैस आ रहा चाहिए, तू पौन आ रहा चाहिए, आप सब लेगी बढ़िया। हरोजी दुकान सब जानी बिल्कुल भरी भरी लागना खाल खाल लागना खाल खाल लागना। वो औकात में आ गया, रत्त उठो घा काटना जाओ पर्स। चलो कोई नहीं, हमला अपना औकात में आ गया हो तो हम रोजा खाना पे ब्यामला खाना पे हो ब्यामला लेकिन थोड़ा देर जल्दी फटाफट करो तैयार हो जरा वो एक्साइटमेंट अलग हो नहीं बने। अब पतना कदू सालन में हूँ, चलो जब लो हल तो होना जाने तय तो दिक्कत हर जाके की है अपने नली आए चली जाए मिन्ना जब थका था यहाँ ब्याहून दस बारह हो लगातार है ब्याहून। लेकिन बात अटक रही दोस्तों सिर्फ लड़की मिलने पर लड़की नहीं मिल रही है यार बड़े दिक्कत है मगर मिले ना मिले बेहतर तो तुझ उठ दिली। और बाकी दोस्तों कल हमारे खेत से कुछ इतना लहसुन निकला, मम्मी ने कल लहसुन निकाल दिया खेत से। और लहसुन निकालने के बाद कल ही मम्मी ने यहाँ पर शिमला मिर्च के पौधे भी लगा दिए और अभी प्याज भी हमारे निकालना है कुछ टाइम में, तो वहाँ पर हमने प्याज की खेती कर रखी थी तो ये भी निकालना है। और हमारा जो छोटा सा दोस्तों यहाँ पर ये बगीचा है, इसमें भी कुछ ना कुछ मम्मी ने लगा रखा है, पता नहीं क्या क्या लगा रखा है यहाँ पर। ये यहाँ पर भी ये मिर्ची के पौधे हैं और फूल है और लौकी है, लौकी का भी ये लगा रखा है मम्मी ने। ठीक है, बाकी इतना कुछ यहाँ पर भी लगा रखा है, देखो इतना सा हमारा इलाका बच रखा है। ये बाकी लकड़ियाँ रखने के लिए हमने तो एक अलग से ये बना दिया ही है और लकड़ियाँ भी हमारी ख़त्म हो गई। देखो परसों तो पूरा चट्टा ऊपर तक था, लेकिन आज ये आधा हो गया पूरा। आज पौंडला जान फेंकी दगड़ियो आज अम्मा की बेटी जा रही है दोस्तों दिल्ली। ठीक है, तो अम्मा तभी इमोशनल हो गई है। अम्मा की भी तीन बेटियां हैं दोस्तों, जैसे मेरी तीन बुआ है, तीन बुआ यहाँ पर भी हुई मेरी। बबली दीदी की जो सगी बुआ है वो भी मेरी बुआई हुई, तो तीन बुआ ये हुई, तीन बुआ मेरी भी है, है ना। तो बुआ की सबसे ठुलचिल बने हो अम्मा की, सबसे ठुलचिल सबसे बड़ी लड़की, हाँ सबसे बड़ी लड़की जा रही है आज दिल्ली को। तो तब अम्मा थोड़ा इमोशनल हो गई है, अम्मा रोने लग गई है यहाँ पर। आप देखिए ऐसे होता है दोस्तों, जब भी बेटी जाती है ना घर से दूर, बेटी का बेटा भी जाता है तो तब भी रोना आता ही है, है ना। फिर साल भर में एक आध साल में आते हैं बच्चे घर को, तो अभी तो ये शादी के अवसर में आए थे सभी के सभी, तो अब 99% तो पौन चले गए हैं, बस 1% ये बच रहे गए थे, अब ये भी जा रहे हैं आज। चलो हेलो ये देखिए दोस्तों अम्मा के नाक से सिंगार निकलता हुआ, टपड़ाकी टपड़ाकी डांड ना मारा मो हंस दे। बोल
अच्छा जना दिल्ली तुम ले जया हां ठीक छो हां पहला ठीक जरा पेट ध्यान धरिया अपन घूम रहे हैं सही सही रे और तो कोनी 3-4 किलोमीटर जरा पैदल चलिया या पेट ध्यान धरिया अपन और दिल्ली वाले पेट ध्यान निकल लो तू ध्यान धरिया अपन तो सही सही जगह बिठा दियो हम हाय जय हो भगवान। अभी थोड़ी देर में दोस्तों बबली दी पहुंचने वाली यहाँ पर, तो उन्हीं के स्वागत के तौर में यहाँ पर संख बजाना है, क्योंकि संख बजाना और किसी को आता नहीं है, राहुल जी को भी नहीं आता अच्छे से, है ना। तो मैं बजाऊंगा भी संख, तो मेरे को आता है अभी फिलहाल, आपको दिखाने के लिए बजाया एक बार मैंने, ठीक है। तो कैसा बजा रहा हूँ मैं संख, मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। बाप रे पूरी जान निकल जाती है संख बजाने में, पूरा मुंह लाल हो गया होगा मेरा, है सोनू लाल हो रहा है। तो फाइनली दोस्तों बबली दी और जीजा जी पधार चुके हैं घर में, आप संग हो जाते हैं, बाहर चलते हैं। एक घंटी आ जाओ आ जाओ, घंटी ले घंटी बजेगा ये खाते। ये बात पहले दिन अपने माइक तो फाइनली दोस्तों दीदी पहुंच गई है घर, है ना। अरे ये लो बटन पे आ संग
भिंजन को देखना लीजिए।